सब्जियों की साली प्याज और थाली का फूफा टमाटर आजकल नाराज हैं। दोनों के भाव बढ़े हुए हैं और बिल्कुल बिना 5 लीटर पेट्रोल का दाम लिए नहीं मान रहे हैं। अब मोदी योगी नीतीश जी की जगह आज प्याज टमाटर की बात कर रहे हैं तो बात सीरियस है। आइए देखते हैं मामला क्या है। तो जो रिश्ता सिमरन का राज से है, खुजली का खाज से है, आलसी का कामकाज से है, पीयूष भैया का मसाज से है, पप्पू भैया का समाज से है, शराबबंदी का बिहार से है, मोदी जी का जहाज से है, नीतीश जी का लोकलाज से है, वही मेरा प्याज से है। जो रिश्ता ओम प्रकाश जी का वाईफाई राउटर से है, बिहार वालों का क्वार्टर से है, शाहरुख खान का चार्टर से है, गरीब आदमी का डॉक्टर से है, वही हमारा टमाटर से है। दोनों एक दूसरे को भाव नहीं देते हैं। पेट्रोल के बाद विपक्ष को और देश विरोधी ताकतों को नया विषय मिल गया है। लोग कह रहे हैं अब चटनी में टमाटर की जगह पेट्रोल डालना पड़ेगा। अब ये बात उन देशद्रोही ताकतों की जो है वो कितनी लॉजिकल है ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है तो इसलिए बता दे रहे हैं। आम आदमी का बजट बिगाड़ने के लिए प्याज एक बार फिर से मैदान में आ चुकी है। प्याज के साथ साथ टमाटर भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे बढ़िया खेल रहा है और दोनों के बीच रेस लगी हुई है कि एक आम आदमी को सरे बाजार कैसे बेइज्जत किया जाएगा। महंगाई की पीठ पर बैठकर छिलका युक्त प्याज और बिना बदन का कपड़ा पहने टमाटर निम्न और मध्यम वर्ग जनता की जमी जमाई गृहस्थी को हिला रहे हैं। आम परिवारों को ईएमआई से बने 2 BHK फ्लैट में बैठकर नगद 100 रुपए देकर के खरीदा गया टमाटर इस तरह से मुंह बिचका कर देखता है जैसे नीतीश जी से किसी ने बेरोजगारी और शराबबंदी पर सवाल पूछ लिया हो। लच्छेदार प्याज और चटनीदार टमाटर हमारी जेब में पड़े हुए नोटों के लच्छों की चटनी बनाकर हमारी दशा और दिशा दोनों बिगाड़ रहे हैं। अब कल की ही बात ले लीजिए। कल मैं दुकान पर टमाटर लेने गया। गोल मटोल तन वाले लाल लाल टमाटर का भाव दुकानदार से पूछते ही मैं उसके चरणों में गिरकर ऐसे संज्ञा शून्य हो गया जैसे आज तक वालों से किसी ने किसान बिल के फायदे पूछ लिए हों। टीवी पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि प्याज और टमाटर इसलिए महंगी हो गई है क्योंकि भाजपा सांप्रदायिक है और भाजपा नहीं चाहती है कि भगवा या उसके आसपास दिखने वाले रंगों को कोई भी अपनी प्लेट में डालकर काटे। टमाटर और प्याज अपने आप में अद्भुत जादू समेटे हुए हैं। जब सस्ते होते हैं तो प्याज बास मारती है और टमाटर किचिर किचिर करता है, लेकिन जब महंगे हो जाते हैं तो लोग अगर अपनी सब्जी वाली थैली में गोभी के साथ साथ टमाटर और प्याज ना देखें तो इस तरह बेचैन हो जाते हैं जैसे वो अपनी श्रीमती जी को साड़ी की दुकान पर छोड़ आए हैं और आंखों के आगे अचानक से क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ बिल दिखने लगा हो। टमाटर अगर फ्रिज में ना दिखे तो गृहणियां ऐसे बेचैन हो जाती हैं मानो रक्षाबंधन आने वाला हो और भैया कड़की की बात कर रहे हो। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को राकेश टिकैत जी इस दिशा में भी मोड़ेंगे कि मोदी जी प्याज को राष्ट्रीय खाद्य घोषित करें, अन्यथा गेहूं और धान की खेती छोड़ करके किसान प्याज प्याज बोकर इलाका प्याजमय कर देंगे। और मुझे लगता है मोदी जी मान भी जाएंगे और वो कहेंगे कि हम अपने किसान भाइयों को गेहूं और चावल के फायदे नहीं समझा पाए, इसलिए आज से प्याज को राष्ट्रीय खाद्य घोषित किया जाता है और सभी को निर्देश दिया जाता है कि आज से आटे की जगह प्याज की रोटियां बनाई जाएंगी ताकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को कभी भी धरना ना देना पड़े। क्योंकि सरकार जानती है कि जब प्याज मिलता है तो जनता मुर्गे गिराती है और जब नहीं मिलता तो सरकार गिरा देती है। सत्ता को काफी करीब से देखने वाले और उसकी काफी गहरी समझ रखने वाले अंकित भैया बताते हैं कि जनता को प्याज और टमाटर उपलब्ध करवाकर खाने में व्यस्त रखो और खुद को खाने का अवकाश निकाल लो। और मुझे लगता है जल्द ही यह गूढ़ रहस्य नीतीश जी तक पहुंचाया जाएगा और शराबबंदी को छोड़ करके वो भी प्याज और टमाटर की तरफ फोकस करेंगे। खैर ये तो रही राजनीति वाजनीति की बात, अब शादी विवाह थोड़ा अच्छे माहौल में आते हैं। शादी विवाह का सीजन चल रहा है और सुनने में आया है कि कल जिस शादी में पीयूष भैया भोज खाने गोपालगंज गए थे वहां पर सलाद में प्याज टमाटर की जगह चुकंदर और मूली रखी हुई थी अधिक मात्रा में और बीच में प्याज का टुकड़ा चमक रहा था और फिर उसके लिए एक बार फिर से जंग हुई और अंततः पीयूष भैया ने विजयी स्वर में नारा लगाया कि प्याज हमारी हुई और अंततः तृप्त भाव से प्याज को उतरस्थ किया और उसका महिमा मंडन फेसबुक की 3 पोस्ट और 5 WhatsApp स्टेटस में कर चुके हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ी मीडिया इंस्टीट्यूट ने एक खबर ब्रेक करी है कि पाकिस्तान में भी टमाटरों की भारी कमी चल रही है जिसके चलते अपने आप हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोगों को अपनी जो टमाटर की महंगाई है वो सब दिखनी बंद हो गई। और डिप्लोमेसी का आलम यह है कि लोग कह रहे हैं कि जो काम बंदूक से गोली नहीं कर पा रही है वो काम पड़ोसी मुल्क के सब्जी की खाली होती टोली डोली कर दे रही है। भारत के टमाटरों ने पाकिस्तान की जनता के बीच हाय तौबा ऐसी मचाई है कि भारत के राष्ट्रपति की तरफ से स्वयं टमाटर को परमवीर चक्र देने का प्रस्ताव दिया गया है। राष्ट्रवाद के एक मुखर समर्थक ने कहा है कि पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए गौरी गजनवी जैसी मिसाइलें तो बना सकता है लेकिन भारत जैसे टमाटर नहीं पैदा कर सकता है। और लोग इसको मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं।
बाकी टमाटर और प्याज के दाम सच में बढ़ गए हैं, बहुत तगड़े ढंग से बढ़े हैं। और सीजन आ गया है जिसमें प्याज मटर टमाटर हम हर चीज में डालना चाहते हैं, लेकिन इतना महंगा हो गया है कि डाल नहीं पा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर के, जो बढ़ते हुए दाम है इसके, इसको लेकर कमेंट में हमें बताइए। और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो काम हमारा तो इसको दोस्तों के साथ साझा करें। जनता जंक्शन के साथ लगातार जुड़े रहें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, शुक्रिया।